नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस समय मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हमारे साथ में अलवर के एक बहुत बड़े व्यापारी बाबूलाल डाटा जी उद्योगपति हैं और सबसे बड़े मिलर विजय सोलवेक्स जो है वो मिल भी है, सौरभ जो मिल है वो उनके पास भी है। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह उनके यहाँ पर सरसों वो ले रहे हैं, कितनी सरसों प्रतिदिन जा रही है, कितना तेल का उत्पादन हो रहा है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। बाबूलाल टाटा जी, आपका टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। बताइए किस तरह से उत्पादन आप ले रहे हैं, किस तरह से आप अलवर मंडी में 15 से 20 हजार बोरी सरसों पहले आ रही है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में जैसे खैरपुर मंडी है और मंडिया है, सारी मिला के करीब 1 लाख कट्टा अलवर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। सारी सरसों कुछ स्टॉक ले रहे हैं, बाकी मिल वालों के पास जा रही है। मिलों में कुछ सरसों अभी 1 तारीख से किस गवर्नमेंट के MSP पे तुलने चालू हो जाएगी। क्रशिंग इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि सारे प्लांट 90% प्लांट डिस्पैरिटी पे चल रहे हैं। तेल में 2-3 रुपये किलो का नुकसान है। सरसों गवर्नमेंट के रेट 5650 है MSP, बाजार में 4800 से 5000 बिकती है। 4800 से 5000 की सरसों का तेल 3 रुपये किलो करीब डिस्पैरिटी है बाजार भाव से। इसलिए मिल वालों का भविष्य आज की तारीख में अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। सरसों इस वजह से नहीं टूटती कि कुछ स्टॉकिस्ट ले रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ने सरसों 5650 में लेनी चालू कर दी है। तो क्या कारण मानते हैं कि क्यों मिलर जो है किस तरह से परेशान है, क्या कारण है परेशानी? परेशानी का मुख्य कारण है विदेशी तेल जो है, सोया, सनफ्लावर, ये पाम तेल, ये विशेष रूप से बद्ध हैं और अगले 3 महीनों के भी इनके भाव घटा घटा के आगे और बद्ध हैं। उन तेलों के भाव सामने आज 90-92 रुपये किलो सोया रिफाइंड हो गया, सरसों तेल 102 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो ऊंचे में सरसों तेल की खपत कम हो गई। और इस समय जो होली के बाद की छुट्टियाँ या ये वीक लॉन्ग वीक एंडी है कि जिसमें छुट्टियाँ ज़्यादा है, अब 1-2 तारीख से मंडियाँ खुलनी चालू होगी। सही पोजिशन 2-3 तारीख, कुछ तो मंडियाँ ही बंद होगी, कुछ जगह लेबर नहीं है, कुछ जगह वो नहीं है, तो ये 1-2-3 तारीख से जब अप्रैल में मंडियाँ चालू होगी उस समय सही स्थिति आएगी, लेकिन भविष्य तेल मिल वालों का अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अभी आपका क्या बोलते हैं, आज जो प्रधानमंत्री को आपने पत्र लिखा है, किस तरह पत्र लिखा है? प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है पहले भी लिखा है, लेकिन अभी ऐसा लगता है किसी भी पत्र पर सुनवाई ये इनके चुनाव। क्या लिखा है आपने पत्र में? हमने पत्र में लिखा है सरसों का जो हिंदुस्तान की जो पैदा है वो तो अपनी बैलेंस जाती है, इस साल भी 13 लाख टन बैलेंस आई और विदेशों से अरबों रुपए अपन खर्च करके विदेशी तेल मंगा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि विदेशी तेल में तो हम विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं और हिंदुस्तान की पैदावार बैलेंस जाती है। सरकार को तेलों का भाव समकक्ष करना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट या तो अपनी सरसों घटा के बेचे या विदेशों के तेलों पर ड्यूटी लगाए, और ये सब काम गवर्नमेंट चुनाव के बाद करेगी, अगर करेगी तो पहले कुछ नहीं करने वाली। तो जून तक हालात तेल मिल वालों की हिंदुस्तान में खराब ही रहेगी। अभी आप कौन सा तेल तैयार कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह आपकी मिल से तेल जा रहा है? हम यहाँ 90% सरसों तेल तैयार कर रहे हैं। राइस ब्रांड हम पंजाब से और बंगाल से मंगाते हैं। राइस ब्रांड तेल जो मल्टी सोर्स हम बनते हैं उसमें आसाम के साथ राज्यों में जाता है, और जो सरसों तेल है वो यूपी, बंगाल, बिहार, आसाम, इन राज्यों में लगातार जाता रहता है और जा रहा है। जैसा कि हमारे साथ में अलवर के एक उद्योगपति जो बाबूलाल डाटा जी है, उन्होंने हमको बताया कि जो मिलर है जो सरसों ले रहे हैं मिल के अंदर, उनकी अभी स्थिति जो है वो अभी ठीक नहीं है। उसके लिए उन्होंने खुद स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा है कि जो मिलर है उसकी स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, और जो सरसों जो विदेशी जो तेल है उसके भाव को लेकर भी थोड़ा चिंता जो है जताई जा रही है। और अभी जो यहाँ का जो तेल है वो लगातार, यहाँ की जो सरसों है वो लगातार मिलों में जा रही है, तेल तैयार हो रहा है और तैयार होने के बाद में लोगों को एक अच्छी गुणवत्ता का तेल खाने को मिल रहा है। नितिन शर्मा, अलवर।